की में ही दोस्तों हमें इसकी बूट ओपन करने के लिए यहाँ पे बटन्स मिल जाती है, जो कि मुझे सच में बहुत ही अच्छा फीचर लगा। तो इसको दोस्तों हमें सिर्फ प्रेस करके रखना है और इसकी जो बूट है वो ओपन हो जाएगा। देख सकते हैं दोस्तों आप लोग, मैंने सिर्फ बटन को प्रेस कर रखा था, इसका जो बूट है वो ओपन हो गया है। और चलिए मैं आप लोगों को सीएनजी टैंक दिखा दूँ। कार परिवार, उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज आप लोग देख सकते हैं फ्रेम में जो सामने गाड़ी खड़ी हुई है, ये है डिजायर। और ये दोस्तों डिजायर का सीएनजी पे टॉप मॉडल है। और डिजायर के सीएनजी के अगर मैं टॉप मॉडल की दोस्तों सबसे पहले प्राइस की बात करूँ, तो इसके जो एक्सोरूम प्राइस है वो पड़ता है 8,91,000 रुपये। और मोटा मोटा मान लीजिए ऑन रोड लगभग 10 लाख रुपये में ये गाड़ी आप लोगों को ऑन रोड ऑल ओवर इंडिया में पड़ेगी। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है। और आज हम इसी गाड़ी की दोस्तों वीडियो शूट करने वाले हैं। और आज मैं इस गाड़ी की फुल डिटेल्स आप लोगों को दूंगा कि 10 लाख रुपए में ये गाड़ी दोस्तों हमें क्या क्या प्रोवाइड कराती है। और सबसे पहले चलिए बात कर ली जाए इस गाड़ी की। तो आप लोग देख सकते हैं डिजायर के जो टॉप मॉडल है ZXi CNG पे, इसमें जो दोस्तों हमें की मिलती हैं, दोनों की हमें ये देख सकते हैं आप लोग बहुत ही अच्छी क्वालिटी की मिल जाती हैं। और यहाँ से दोस्त देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे की में ही हमें ये फीचर मिल जाता है कि हम इसके बूट को भी यहाँ से ओपन कर सकते हैं। अगर आप लोगों का बजट दोस्तों 10 लाख रुपए के आसपास में है और आप लोग एक लंबी चौड़ी सेडान गाड़ी सीएनजी पे ढूंढ रहे हैं, तो ये गाड़ी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल गाड़ी हो सकती है, क्योंकि इसमें दोस्तों सीएनजी में अच्छी खासी आप लोगों को एवरेज मिल जाएगी। और अगर मैं दोस्तों इसके सीएनजी की एवरेज की बात करूँ, तो ये सीएनजी पे आप लोगों को 30 KMPL की एवरेज निकाल के हाईवे पे आराम से दे देगी। और सिटी में भी दोस्तों ये गाड़ी लगभग 25-26 की एवरेज बहुत ही आराम से निकाल के आप लोगों को दे देगी। और चलिए सबसे पहले दोस्तों इस गाड़ी की फ्रंट लुक की बात कर ली जाए, तो फ्रंट में आप लोग दे सकते हैं इसमें दोस्तों जो फ्रंट लुक मिलता है बहुत ही अच्छा लुक मिलता है। फ्रंट में दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे ये फॉग लाइट्स भी मिल जाएगी। और इसकी जो हेडलाइट्स की बात करूँ, तो इसमें आप लोगों को दोस्तों प्रोजेक्टर हेडलाइट्स नहीं मिलेगी, इसमें नॉर्मली दोस्तों आप लोगों को वही हाइलोजन ही हेडलाइट्स मिलेंगी। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसकी टर्निंग इंडिकेटर। और बड़ी सी दोस्तों इसमें आप लोगों को विंडशील्ड मिल जाएगी। एक बार मैं आप लोगों की हेडलाइट जो है वो ऑन करके दिखा दूँ। आप लोग देख सकते हैं मैंने फिलहाल अभी इसकी हेडलाइट जो है वो ऑन कर दी है, लेकिन दिन है तो आप लोगों को इतना क्लियरिटी नहीं दिखेगी, लेकिन फिर भी आप लोग देख सकते हैं इसमें आप लोगों को हाइलोजन हेडलाइट्स मिल जाएंगी। प्रोजेक्टर दोस्तों हमें इसके टॉप मॉडल में मिलता है ZXi प्लस में, CNG के टॉप मॉडल में हमें हाइलोजन ही हेडलाइट्स मिलेंगी। तो चलिए दोस्तों अब मैं आप लोगों को इस गाड़ी का साइड भी दिखा दूँ। तो साइड में दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इसके डोर हैंडल्स पर, यहाँ पर हमें ये सेंसर लॉक भी मिल जाएगा। डिजायर के CNG के टॉप मॉडल में दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को सेंसर लॉक मिल जाता है। और अगर दोस्तों इसके टायर्स की प्रोफाइल की बात करूँ मैं, तो आप लोग टायर्स देख सकते हैं इसमें आप लोगों को दोस्तों 15 इंच के टायर्स मिल जाएंगे, वो भी अपोलो कंपनी के। अगर टायर की प्रोफाइल की बात की जाए तो 185/65 R15, ये एक दोस्तों आप लोगों को CNG के टॉप मॉडल में अलॉय व्हील नहीं मिलते हैं, लेकिन 15 इंच के दोस्तों आप लोगों को इसमें टायर्स मिल जाएंगे। और आप लोग दोस्तों ORM दे सकते हैं, बॉडी कलर मिलेंगे, जिनको दोस्तों अंदर से इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फोल्ड भी कर सकते हैं। और ORM पर दोस्तों यहाँ पे इंडिकेटर मिल जाएगा, जो कि ये LED में तो नहीं है लेकिन हाइलोजन में है। और इसमें काफ़ी बड़े साइज़ का दोस्तों ORM आप लोगों को मिलता है। और बी पिलर ये आप लोगों को ब्लैक मिलेगा। और देख सकते हैं बड़े बड़े दोस्तों इसमें आप लोगों को विंडो मिल जाएगी, यहाँ पर दोस्तों क्वार्टर ग्लास। और अब मैं आप लोग दोस्तों इस गाड़ी का रेयर लुक दिखा दूँ। तो आप लोग सबसे पहले इस गाड़ी का रेयर लुक भी देख सकते हैं। CNG में दोस्तों ये है कि पीछे हमें यहाँ पे रियर डिफॉर्मर मिल जाता है, इसका हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प दोस्तों यहाँ पे आती है, देख सकते हैं आप लोग। और ये कुछ तरीके से दोस्तों हमें इसमें रूफ मिलती है। और यहाँ पर दोस्तों हमें इसका एंटीना मिल जाता है। और पीछे से इसकी जो टेल लाइट्स मिलती हैं ये LED में मिलती हैं। और यहाँ पर दोस्तों हमें इसमें इंडिकेटर मिल जाता है, यहाँ पर रिवर्स लाइट मिल जाती है। और देख सकते हैं सुजुकी का लोगो, क्रोम में दोस्तों पट्टी मिल जाती है। इस गाड़ी में ये है कि हमें पीछे 4 पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। और CNG में दोस्तों टॉप मॉडल में भी हमें पीछे कोई भी कैमरा नहीं मिलता है, पीछे दोस्तों हमें 2 रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं। और चलिए मैं आप लोगों को इसका CNG टैंक दिखा दूँ ओपन करके। इसकी जो दोस्तों जो हमें की मिलती है, की में ही दोस्तों हमें इसकी बूट ओपन करने के लिए यहाँ पे बटन्स मिल जाती है, जो कि मुझे सच में बहुत ही अच्छा फीचर लगा। तो इसको दोस्तों हमें सिर्फ प्रेस करके रखना है और इसकी जो बूट है वो ओपन हो जाएगा। देख सकते हैं दोस्तों आप लोग, मैंने सिर्फ बटन को प्रेस कर रखा था, इसका जो बूट है वो ओपन हो गया है। और चलिए मैं आप लोगों को CNG टैंक दिखा दूँ। तो आप लोग दोस्तों देख सकते हैं इसमें हमें 55 लीटर का CNG टैंक मिल जाता है। और अगर इसकी मैं कैपेसिटी की बात करूँ, तो इसमें हम 10 लीटर की CNG भरवा सकते हैं। और 10 लीटर में दोस्तों मान के चलिए आप लोग, ये CNG पर लगभग 250 किलोमीटर तो आराम से चली जाएगी। और यहाँ पर दोस्तों ये CNG टैंक लगने के बाद में आप लोगों को इतना स्पेस मिलता है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये 2 बैगें हम बहुत ही आराम से रख सकते हैं। इसके अंदर भी दोस्तों हम थोड़ा बहुत सामान रख सकते हैं और यहाँ पे भी स्पेस मिल जाएगा। और देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे हमें सेफ्टी के लिए एक नॉक मिलता है, जिसको अगर हम जैसे गाड़ी में कभी एक्सीडेंट हो जाए या अगर लग जाए, तो यहाँ से दोस्तों हम इसको बंद भी कर सकते हैं। और यहाँ पर हमें ये बूट में दोस्तों एक ये लाइट्स मिल जाती है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर एक लाइट्स मिल जाती है। और आप लोग दोस्तों कमेंट्स बताइएगा कि आप लोगों को डिजायर जो CNG है, इसमें दोस्तों आप लोगों को स्पेस कैसा लगा।
और यहाँ से दोस्तों हम इस गाड़ी में सीएनजी भरवा सकते हैं, जो कि मुझे कोई खास जा रहा है इतना अच्छा नहीं लगा। मैं आप लोगों को एक बार इसको ओपन करके दिखा दूँ तो आप लोग दोस्तों दे सकते हैं, यहाँ से हम इस गाड़ी में सीएनजी भरवा सकते हैं और यहाँ से दोस्तों हम इस गाड़ी में पेट्रोल भी भरवा सकते हैं। अगर मैं दोस्तों इसकी पेट्रोल टैंक की कैपेसिटी की बात करूँ तो पेट्रोल दोस्तों इस गाड़ी में 37 लीटर पेट्रोल आ सकता है। और चलिए दोस्तों अब आप लोगों को इस गाड़ी का इंटीरियर भी दिखा दिया जाए। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इसका ड्राइवर डोर से। ड्राइवर डोर आप लोग देख सकते हैं, ड्राइवर डोर दोस्तों हमें मिलता है डुअल टोन में, मिल जाता है ये ब्लैक एंड बीच कलर में। और यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं डोर पे ही हमें यहाँ पे ये सॉफ्ट टच मिल जाता है, देखिए सॉफ्ट टच मिल जाता है। और पीछे वाले डोर की बात करूँ मैं तो आप लोग पीछे वाले डोर पर दिखाना चाहूँगा मैं आप लोगों को, पीछे वाले डोर पर हमें यहाँ पर कोई भी सॉफ्ट टच नहीं मिलता है, सिर्फ ड्राइवर डोर पर दोस्तों हमें सॉफ्ट टच मिलता है। और ड्राइवर डोर पे दोस्तों हमें चारों के चारों पावर विंडो कंट्रोल्स करने के लिए यहाँ पे हमें ये बटन्स मिल जाती हैं। ड्राइवर डोर को दोस्तों हम ऑटो डाउन कर सकते हैं, ऑटो ऑफ वाला फीचर हमें इसके ड्राइवर डोर में नहीं मिलेगा। और ORM को दोस्तों अंदर से हम इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकली अंदर से इसको फॉल्ट भी कर सकते हैं। और इसमें हमें दोस्तों चारों के चारों डोर पर स्पीकर मिल जाते हैं, चारों डोर पर दोस्तों हमें स्पीकर मिल जाएंगे। यहाँ पर रीडर बॉटल होल्डर मिलता है, यहाँ पर स्पेस मिलता है अपनी फाइल रखने के लिए। और अगर दोस्तों इसके ड्राइवर डोर की क्वालिटी बात करूँ तो ठीक ठाक ही मिलता है, ये एक ज़्यादा हैवी भी नहीं है और इतना हल्का भी नहीं है जितना आप लोग सोच रहे हैं। और यहाँ पर दोस्तों हमें यहाँ पे भी ये स्पीकर मिल जाता है। और चलिए मैं आप लोग इसकी ड्राइवर शीट दिखा दूँ तो आप लोग देख सकते हैं सीएनजी टॉप मॉडल में इसमें जो हमें ड्राइवर शीट मिलती है ये दोस्तों हमें हाइट एडजस्टमेंट के साथ ही मिल जाती है। इसको हम आगे पीछे रिक्लाइन कर सकते हैं और हाइट एडजस्टमेंट वाला फीचर भी हमें इसके सीएनजी के टॉप मॉडल में अवेलेबल है, जैसे कि दोस्तों यहाँ से हम इसको अपनी हाइट के अकॉर्डिंग सीट को अप और डाउन भी कर सकते हैं। और देख सकते हैं आप लोग इसमें जो दोस्तों हमें हेडरेस्ट मिलते हैं इनको भी हम अपनी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। और सीट की क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी है, अच्छी खासी बड़े साइज़ की सीट मिलती है, कितना भी मोटा बंदा हो बहुत ही आराम से कंफर्टेबल बैठ सकता है। और चलिए अब मैं आप लोगों को इस गाड़ी का इंटीरियर दिखा दूँ तो आप लोग दोस्तों देख सकते हैं इस गाड़ी का इंटीरियर, इसके डैशबोर्ड का लुक दोस्तों सच में बहुत ही अच्छा लगता है। और AC वेंट्स आप लोग देख ही सकते हैं दोस्तों इसमें हमें कुछ तरीके से मिलते हैं। ये एक दोस्तों अंदर से डिजायर की VXi का भी लुक सेम ऐसा ही लगता है। और आप लोग दोस्तों देख सकते हैं इसके स्टेयरिंग, चलिए मैं इसका स्टेयरिंग दिखा दूँ तो CNG के टॉप मॉडल में दोस्तों हमें जो स्टेयरिंग मिलता है ये हमें टिल्ट के साथ में मिलता है। टेलीस्कोप भी दोस्तों हमें इसके CNG के टॉप वेरिएंट पे भी अवेलेबल नहीं है, टेलीस्कोपिक हमें सिर्फ ZXi प्लस में ही मिलेगा डिजायर में। और इसके स्टेयरिंग पे दोस्तों ये है कि हमें कंट्रोल्स मिल जाते हैं, फ़ोन कॉल अटेंड भी कर सकते हैं, म्यूजिक की वॉल्यूम कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, ऐसे फीचर दोस्तों हमें इसके CNG के टॉप मॉडल में मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे हमें ये पुश बटन स्टार्ट सब का फीचर भी मिल जाता है। और यहाँ से दोस्तों हम इसके CNG को पेट्रोल पर कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे अगर हमें CNG पर चलाना तो CNG पर चला सकते हैं, पेट्रोल पर चलानी हो तो गाड़ी तो हम पेट्रोल पर भी चला सकते हैं। और पेट्रोल पर भी दोस्तों ये गाड़ी 22-23 की एवरेज बहुत ही आराम से निकाल के दे देती है, तो मेरे हिसाब से दोस्तों मुझे सबसे अच्छी गाड़ी यही लगी है। और चलिए मैं आप लोगों को डिजायर का दोस्तों ग्लव बॉक्स दिखा दूं तो इसमें काफ़ी बड़े साइज़ का ग्लव बॉक्स आप लोगों को मिल जाएगा, सेम वही ग्लव बॉक्स दोस्तों जो LXi VXi सभी वेरिएंट्स पे आता है। और देख सकते हैं आप लोग ये गाड़ी हमें 5-स्पीड मैनुअल गियर के साथ ही मिल जाती है 1200 cc के 4 सिलेंडर वाले पेट्रोल इंजन पर। और अगर दोस्तों मैं इसके पेट्रोल इंजन की पावर की बात करूँ तो इसमें 89 BHP की पावर, 113 Nm का टॉर्क मिल जाता है। CNG पर दोस्तों थोड़ी कम पावर हो जाती है लेकिन इतनी भी कम पावर नहीं होती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है, थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है, 2 कप होल्डर मिल जाते हैं। ड्राइवर सनवाइजर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं टिकट होल्डर के साथ में आता है, को ड्राइवर सनवाइजर भी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मिरर मिल जाता है। और ये इसके अंदर से कैबिन लाइट्स हमें मिल जाती है जो कि हाइलोजन में आती है, यहाँ पर हमें 2 माइक मिल जाते हैं। और ये दोस्तों इसका ERVM जो कि ये मैनुअली हाथ से ही दोस्तों हमें नाइट में एडजस्ट करना होगा। और इसमें दोस्तों ये है कि हमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है, देख सकते हैं आप लोग। मैं दोस्तों म्यूजिक सिस्टम की मैं अगर बात करूँ तो आप लोग इसमें देख सकते हैं, इसमें दोस्तों म्यूजिक सिस्टम FM चला सकते हैं, आप लोग गाने की आवाज़ तो सुन ही सकते हैं, मैंने फिलहाल इसमें गाना ऑन कर रखा है। पर अगर दोस्तों मैं इस गाड़ी की सेफ्टी की बात करूँ, सेफ्टी में भी दोस्तों इस गाड़ी में हमें 2 एयरबैग मिल जाते हैं। सेफ्टी में दोस्तों हमें इसमें 2 एयरबैग मिल जाएंगे, हमें स्टेयरिंग मिलता है, एरिया के दोस्तों हमें यहाँ पे को ड्राइव पैसेंजर के आगे मिल जाएगा। मैं आप लोगों को इसके रियर वाले डोर पे दिखा दूँ पीछे वाली सीट पे दोस्तों कितना स्पेस मिलता है, तो स्पेस तो वही आता है सेम जो VXi LXi में मिलेगा आप लोगों को। और सबसे पहले हम इसके डोर से शुरुआत करते हैं तो आप लोग दोस्तों देख सकते हैं इसका जो हमें रियर वाला डोर मिलता है इसमें दोस्तों हमें पीछे पावर विंडो मिल जाएगी, यहाँ पे दोस्तों बटन मिलती है, और यहाँ पे दोस्तों हमें स्पीकर मिल जाएगा, यहाँ पे बोटल होल्डर मिल जाता है। दोस्तों हमें यहाँ पे सॉफ्ट टच नहीं मिलता है, मतलब आगे जो बंदे बैठते हैं दोनों के दोनों उनको सॉफ्ट टच फील होगा लेकिन जो पीछे जो बैठते हैं उनके लिए दोस्तों सॉफ्ट टच नहीं है। दोस्तों पीछे वाला भी डबल टोन में आता है ब्लैक एंड बीच कलर में ही, और यहाँ पे ये आप लोग देख सकते हैं क्रोम में यूज हुआ है इसमें।
इसकी सीट बेल्ट की क्वालिटी भी दोस्तों आप लोग दे सकते हैं, ये भी ठीक ठाक ही मिलेगी। और अगर दोस्तों मैं इसकी सीट की बात करूँ, सीट आप लोग दे सकते हैं अच्छी खासी लंबी चौड़ी सीट मिलती है डिजायर के अंदर, ऐसा कोई बैठने में प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। और इसके सीएनजी के टॉप मॉडल में दोस्तों यहाँ पे हमें ये आर्मरेस्ट मिल जाता है। चलिए मैं आप लोगों को एक बार इसका आर्मरेस्ट भी दिखाई दूँ। तो आप लोग दोस्तों दे सकते हैं इसमें दोस्तों में पीछे वाली सीट पे आर्मरेस्ट मिल जाता है, वो भी कप होल्डर के साथ में, जो कि दोस्तों बड़े बड़े साइज़ के हमें इसमें कप होल्डर मिल जाते हैं। और पीछे दोस्तों हमें इसके सीएनजी के टॉप मॉडल में पीछे रियर एसी वेंट्स मिल जाता है। और यहाँ पे हमें ये 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी मिल जाता है, दे सकते हैं आप लोग। यहाँ से अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हैं, यहाँ से अपना यहाँ पर स्पेस मिलता है अपना फ़ोन रखने के लिए। और अगर दोस्तों इसके स्पेस की बात की जाए तो आप लोग दे सकते हैं, ड्राइवर सीट मैंने अपनी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट रखी है, जैसे कि मेरी हाइट आप लोग जानते हैं 5.5 फीट है। और इसमें दोस्तों मुझे अच्छा खासा लेग रूम मिल रहा है, दे सकते हैं आप लोग, अच्छा खासा दोस्तों मुझे इसमें थाई सपोर्ट भी मिल रहा है। डिजायर के दोस्तों ऑलमोस्ट मैंने बहुत सी वीडियो बना रखी है इसके बेस मॉडल के VXi की, VXi CNG भी बना रखी है। और आप लोगों को VXi CNG की वीडियो देखनी है तो आप लोग मेरे चैनल पर जाके VXi CNG की वीडियो भी देख सकते हैं। और अगर आप दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।